दरगाह बाजार से निकली तिरंगा रैली हर साल 15 अगस्त से एक दिन पहले निकाली जाती है। तिरंगा रैली सभी धर्मों के लोगों ने रैली में शामिल होकर दिया एकता का संदेश। दुनिया को भारत की अखंडता दिखाने के लिए हर साल की तरह साल भी दरगाह बाजार में तिरंगा रैली मुस्लिम समुदाय द्वारा निकाली जा रही है। इसमें केवल मुस्लिम समुदाय के लोग ही नहीं बल्कि हर धर्म के लोग इस रैली में शामिल हुए और एकता का संदेश दिया। तिरंगा रैली में हर एक जने को दरगाह बाजार में तिरंगा दिया गया और जमकर भारत माता की जय के और वंदे मातरम के नारे लगे। इस बीच पुलिस जाब्ता भी बड़ी संख्या में तैनात रहा। हर साल की तरह इस साल भी आका गरीब नवाज के दरगाह के मुख्य द्वार से ये तिरंगा रैली, ये जागरूकता रैली के रूप में ये निकाली जाती है ताकि सभी धर्म के लोग इस रैली में शरीक होते हैं और ये संदेश जावे। जैसे हम ईद दिवाली सभी त्यौहार मनाते हैं, उसी तरह हमारा स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस मनाना चाहिए। यही मिशन के तहत ये कार्यक्रम हर साल की तरह इसलिए आयोजित किया जाता है ताकि जायरीन भी देखे और हर धर्म का आदमी संकल्प ले कि हमारे इसको त्यौहार को हमारे और इस त्यौहार को त्यौहार के रूप में विशाल रूप में और एक दूसरे का ऐसा बढ़ चढ़ के मनाने का उद्देश्य लेकर ये तिरंगा रैली का आयोजन किया जाता है। ये रैली दरगाह के मुख्य द्वार से धान मंडी तक आयोजित किया जाता है जिसमें सभी धर्म के लोग सही प्रशासनिक अधिकारी लोग इसमें शरीक होते हैं। वो जो मैटर है वो 370 का मैटर है, ये अभी हमारे देश की आजादी का मैटर है, वो भी खुशी का दिन है। उनको चाहते खुशी की भावना उनको भी बनाना चाहिए वहाँ के देश के जो वहाँ के हमारे देश की स्वतंत्रता दिवस है और सभी लोगों को इसमें बढ़ चढ़ के भाग लेना चाहिए, सबको हमारे देश की आजादी स्वतंत्र दिवस बनाना। दरगाह कमेटी दरगाह व्यापार मंडल व यहाँ के निवासियों के द्वारा जैसा बताया गया पिछले 10 साल से तिरंगा वितरण और स्वाभिमान रैली निकाली जाती है, बहुत अच्छी बात है। इससे लोगों में जागरूकता आती है। जब देश आज़ाद हुआ था तो लोग बुढ़े बढ़ चढ़ के इसमें स्वतंत्रता दिवस में भाग लेते थे, लेकिन धीरे धीरे नौजवान पीढ़ी में कुछ कमी आने लगी है, वो टीवी तक सीमित हो गए। तो इस तरह की जागरूकता रैली से लोगों में बड़ा प्रोत्साहन मिलता है और लोगों का देश के स्वतंत्रता दिवस के जो मुख्य प्रोग्राम है उसमें भाग लेने में भी लोगों को प्रोत्साहन मिलता है। तो ऐसी रैली होनी चाहिए, बहुत अच्छा प्रोग्राम है। मैं आगे भी इस तरह जारी रखें इसकी कामना करता हूँ।